नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तीन ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम पहले कुछ और होने वाला था, लेकिन किसी कारण से फिल्म के नाम को बदल दिया गया और फिल्म के टाइटल को चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। तो इस लिस्ट की जो सबसे पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है गुलामी। और गुलामी इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आए थे भोजपुरी के जुगली स्टार निरहुआ और मधु शर्मा। फिल्म को डायरेक्ट किया था तीनू वर्मा ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था अभय सिन्हा जी ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2015 को। फिल्म काफ़ी शानदार थी और 2015 का साल जुबली स्टार निरहुआ के लिए काफ़ी अच्छा साल था। इस साल इनकी कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी और पांचों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और गुलामी भी उन सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले इस फिल्म का नाम गुलामी के बजाय जंजीर रखने का प्लान बनाया गया था, पर किसी कारण से फिल्म के नाम को बदलकर गुलामी रख दिया गया था। बात करें दूसरी फिल्म की, तो दूसरी फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। और इस फिल्म में नज़र आए थे खेसारी लाल यादव और शहर आपसा। फिल्म को डायरेक्ट किया था, फिल्म की स्टोरी लिखी थी और फिल्म को स्क्रीन प्ले लिखा था रजनीश मिश्रा जी ने। फिल्म में म्यूजिक भी रजनीश मिश्रा जी का था। इस फिल्म की शूटिंग लंदन में की गई थी और इस फिल्म का नाम भी पहले चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं होने वाला था, बल्कि इस फिल्म का नाम प्यार तो होना ही था ये होने वाला था। लेकिन अरविंद अकेला कल्लू की उसी साल एक फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, इसलिए इस फिल्म के नाम को बदलकर चोरी चोरी चुपके चुपके कर दिया गया था। बात करें तीसरी फिल्म की, तो तीसरी फिल्म का नाम है माई बापू जी के आशीर्वाद। और माई बापू जी के आशीर्वाद इस फिल्म में नज़र आए थे भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे, चिंतू, सचिता बनर्जी जैसे बेहतरीन कलाकार। साथ ही साथ इस फिल्म में अवधेश मिश्रा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इश्तियार शेख बंटी जी ने, लेकिन इस फिल्म का नाम पहले जुग जुग जिया हो ललनवा ये होने वाला था। जब इस फिल्म का मुहूर्त किया गया था तो सबसे पहले इस फिल्म का नाम जुग जुग जिया हो ललनवा रखने का प्लान बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर इस फिल्म के इस नाम को बदलकर माई बापू जी के आशीर्वाद रख दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप भी देखना चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट टू तो कमेंट करें, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।